स्वामी विवेकानंद को किसी ने जाके पूछा कि क्या विधवाओं ने विवाह करना चाहिए क्या, तो स्वामी विवेकानंद बोले, हैंड्स ऑफ, आप कौन है तय करने वाले कि विधवा ने विवाह करना है नहीं करना है, ये स्त्री स्वयं तय करेगी, ये करने की क्षमता उसमें है। हमारे देश में सिर्फ गार्गी मैत्रेयी नहीं, बहुत लंबी लाइन है वेद से लेते हुए अभी तक ऐसे महिलाओं की, और वो सक्षम है। इसीलिए किसी ने आके स्त्री को एम्पावर करना ऐसी कोई जरूरत इस देश में नहीं है, क्योंकि इस देश में हमने स्त्री को ही शक्ति स्वरूप समझा है, वो स्वयं शक्ति है, उसको सिर्फ स्वयं की शक्ति को विकसित करना है, प्रकटित करना है, शुभ शक्ति के रूप में, विद्या शक्ति के रूप में, और परिवार संवर्धन के लिए, समाज धारणा के लिए उस शक्ति को उसने स्वयं को प्रवाहित करना है, और अपनी स्वयं की शक्ति को। इसी को यदि हम भगवद गीता की भाषा में देखते हैं तो भगवद गीता में 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विभूति योग में कि हर इसमें, जैसे नदियों में मैं गंगा हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, या पंछियों में मैं गरुड़ हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, और पुरुषों में मैं राजा हूँ, और ऐसा कहते कहते जब वो स्त्रियों में आते हैं, वो ऐसा नहीं कहते हैं कि स्त्रियों में मैं रानी हूँ, ऐसा नहीं कहते हैं, तो वे कहते हैं कि स्त्रियों में मैं सप्त शक्ति के रूप में प्रकटित होता हूँ। और वो कौन सी सप्त शक्तियाँ हैं, तो कीर्ति, श्री, वाक, च नारीणाम, स्मृतिर, मेधा, धृति, क्षमा, ये 7 शक्तियाँ हैं, जिसको महात्मा गांधी के जो शिष्य थे विनोबा जी, वो कहते थे ये सप्त शक्ति जो है, ये सप्त शक्ति यदि हम शुभ रूप में उसको विकसित करते हैं स्वयं में, तो यही आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं। और इसीलिए यदि मुझे अगला जन्म है तो मैं स्त्री का जन्म लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये 7 शक्ति अपने आप मिलती है स्त्री को।